हेलो दोस्तों, जय श्री सीताराम, जय भाग्यश्री धाम सरकार। हमारे सभी सनातन भाइयों एवं भाग्यश्री धाम सरकार के सभी पागलों को यह वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आए दिन आप सभी को पता होगा कि हमारे हिंदू धर्म पे जो कि अत्याचार किया जा रहा है भारत में, और उसी के साथ ही साथ ही यूपी में लागू, जो कि मैं आपको बता दूँ, यूपी सरकार एक ऐसी है जो कि धर्मांतरण पर कानून जो कि तहत दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। लव जिहाद और अन्य धर्मांतरण के मामले में कानून के तहत 10 साल की सजा जो कि प्रावधान किया गया है। साथ ही लव जिहाद के मामले में साफ भी किया गया कि शादी का उद्देश्य अगर धर्म परिवर्तन है तो इस स्थिति में शादी को अवैध करार भी दिया जाएगा। अद्भुत लीला है। मैं आपको बता दूँ, हमारे पूज्य भाग्यश्री धाम सरकार जी आए दिन हिंदुओं को जगाने के लिए जगह जगह जाके कथाएँ कर रहे हैं, और उसी के साथ ही हर घर में राम नाम का जाप हो, यही हमारे पूज्य भाग्यश्री धाम सरकार जी का जवाब है। अभी हाल ही में आपने बहुत सारी ऐसी केसेस देखे होंगे जिसमें कि जैसे श्रद्धा जैसी और साक्षी जैसी की हत्याएं जो कि हुई एक मुस्लिम में लड़के के द्वारा। आप सभी को पता होगा ये जो कि धर्मांतरण के नाम पे जो कि हाथ में कलावा बांध के आते हैं और हमारे हिंदू बेटी बहन बेटियों को जो कि फंसा के और उनके साथ अत्याचार करते हैं। आए दिन आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे, और मैं भी निवेदन करूंगी ऐसी बेटियों से, ऐसी बहनों से कि इन चीज़ों में न पढ़ के हमारे क्या समाज, हिंदू समाज में क्या लड़के नहीं हैं जो कि आप मुस्लिम समाज लड़के से प्यार करती हैं। इन चीज़ों को समझो, क्योंकि आप अगर ऐसा करती हैं तो आगे आपको श्रद्धा जैसी 35 टुकड़े करने को भी देखने के लिए तैयार रहना। मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप सभी को पता होगा, इसी के ऊपर हमारे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने आए दिन सुर्खियों में जैसे कि हैं, आपको पता होगा, इसी को हमारे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी का भी जो कि बयान आया था। बाबा ने अपील की थी कि लव जिहाद से बेटियों को बचाना है तो हर शनिवार रविवार मंदिरों को पुजारी को जो कि सनातन की शिक्षा देनी होगी, तभी जाके हमारे देश में ये जो कि चीज़ें खत्म हो सकती है। बाकी आप लोगों का लव जिहाद पे क्या प्रक्रिया है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि आए दिन ऐसी हत्याएँ या ऐसी केसेस बहुत आते हैं। आप सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है कि आप अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल रंजीत के ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।